मंत्रीगण ना तो पिताश्री दिख रहे हैं अपने कक्ष में ना माताश्री, क्या आप बता सकते हो कहाँ पे हैं? भैया क्या कारण है कुछ तो बताओ आप। क्या हुआ है भैया? क्या बताओ कहा था, क्या हुआ भैया? मुझे कुछ नहीं पता है, क्या आप बता सकते हो क्या हुआ है, क्या कारण है भैया? तुम्हें कुछ ना मालूम? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं पता है। मसाला जल प्याज कुल तुम्हें हो और कहा तो हम कुछ नहीं जाने। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं पता है, बताओ आप क्या हुआ है भैया? काका से सही अनजाने से कुछ रोवे लागत है जब कुमार कहिए भैया। ऐसा है, क्या कहना चाहते हो आप, जल्दी बताओ। कहना मैं चाहता हूँ भैया। हाँ भैया बोलिए आप। भैया आप के ना रहने पर आपकी माता कैकेयी एक दिन गोभाव में जाकर के और प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का तैयार। सबसे अच्छी बात है भैया, क्या बताओ, सुन करके माता कैकेयी ने गोभाव में जाकर के और महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ से दो वरदान मांगा, जिसमें से पहला वरदान भरत को राजा राजतिलक और दूसरा प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। क्या मांगा? 14 वर्षों का वनवास। हाँ भैया, और उन्हीं के चक्रवर्ती नरेश दशरथ अपने प्राय को क्या क्या कहा पिता से? भैया क्या कहा आपने पिताश्री का स्वर्गवास? भैया राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं पता है। भैया अगर ये सत्य है तो सुनो, स्वर्गीय पिता की आकांक्षा। भैया सुनो मेरी बात, स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उरे पितृ से होंगे जब कर देंगे वा पूरी। हम भैया सच्चा है मृतक कर्म सच्चा, भैया सच्चा है मृतक कर्म सच्चा, सच्चा अंतोष्टि संस्कारण वहा जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विधि है सच्चा तत्पर वहा। भैया प्रणवीर पिता के बेटे हम, भैया प्रणवीर पिता के बेटे हम तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। भैया मिलता है राज बड़े को ही, मतिया ही न्याय पूर्वक है, राजा तो रामचंद्र होंगे यह भरत सदा का सेवक है, ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र नीचे गंगा यमुना साक्षी। भैया करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी, रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक ना राम के अवसर पर हो। भैया तब तक सैया को तकता हूँ, पृथ्वी को अपना बिस्तर हो। भैया भैया इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, भैया मुझे कुछ नहीं पता है। भैया ठीक है महाराज, मुझे कुछ नहीं पता है, बताओ अब मैं क्या करूँ, मैं अनाथ हो गया भैया। अब आप अपने माता के पास जाइए। हाँ भैया, भैया सत्यधर चलो हम अपनी माता के कैकेयी के पास चलते हैं,
चलो अब उनसे हम पूछेंगे उसने क्यों किया ये सब, क्या चाहिए था उसे। चलो भैया हम माता के कहीं के पास चलते हैं।